झांसी के कॉलेज में हज यात्रियों के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि शिविर में हज कमेटी के सदस्य मुर्शद अली ने बताया कि टीकाकरण के दौरान 87 हाजियों का टीकाकरण किया गया। इन सभी का प्रशिक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका था। प्रशिक्षण के दौरान हज यात्रा पर जाने वाले हाजियों को यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों और अन्य जरूरी बातों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 100 हाजियों ने हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन सभी के आवेदन निरस्त कर दिए गए। तो बता दें कि जिनकी उम्र 65 अथवा 75 वर्ष से ऊपर थी, उन्होंने बताया कि उन हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया है जिनकी फ्लाइट 6 जून को रवाना होनी है। जी, 87 हाजियों का वैक्सीनेशन यहां कराया जा रहा है, जो जिसकी फ्लाइटें 6 तारीख से शुरू हो रही हैं। हाजी पहले ही से ही सारे लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। यहाँ आज इनका आखिरी टीकाकरण का जो प्रोग्राम था वो संपन्न कराया जा रहा है। कितने हाजी हैं लगभग? लगभग 87 हाजी जो हैं वो जा रहे हैं। यहाँ से 100 आदमी उन्होंने भरा था, लेकिन जिनकी उम्र 75 साल या 65 साल से ऊपर हो गई है उनका कैंसिल हो गया है। प्रशिक्षण देने का उद्देश्य हो जाता है कि हाजी जितने भी अपने अरकान हैं हज में वो अदा कर सके, कि वो अब किस मकसद से आया है, क्या उसको करना है, इसके लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है।